लूप इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर डेट काज स्टेटमेंट्स और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स टू रिपीट। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। किसको स्ट्रक्चर क्या है, आपको शुरू में मैंने बताया था ना, ये हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, इसको कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के साथ साथ जो भी कोड हम इसको बताते हैं ये उसको रिपीट करता है। क्या करता है, रिपीट। कैसे रिपीट करता है, तो इसके लिए देखें हमारे पास एक जो लॉजिकल रीज़न है, अभी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। न्यू लाइन कर लेते हैं, सेव करते हैं प्रोग्राम को। और देखते हैं लूप का यूटिलाइजेशन कहाँ पर आपको मिलेगा। सबसे पहले लूप को लिखते कैसे है, ये है कमांड, ये इसके एक्सप्रेशन ब्रैकेट, और ये है इसका स्टेटमेंट ब्लॉक ब्रैकेट जिसको ये परफॉर्म करेगा। यानी कि ये कमांड है, इसका काम है रिपीट करना, कितनी बार रिपीट करना है या एक्सप्रेशन में बताएंगे, किस स्टेटमेंट को रिपीट करना है वो यहाँ बताएंगे। कमांड कितनी बार रिपीट करना है, किसको रिपीट करना है, सही है। ये एक पुर्जा है, ये पुर्जा चलेगा, कितनी बार चलेगा यहाँ बताएंगे, और जब ये चलेगा तो किस चीज़ को कितनी बार परफॉर्म करेगा यहाँ बताएंगे। अब चलते हैं यहाँ पर। अब मुझे आपसे एक सवाल है, किसी भी चीज़ में एडिशन और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, वो कैरेक्टर वेरिएबल में हो सकता है या इंटीजर वेरिएबल में हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे, कोई भी ले लेते हैं काउंटर के नाम से, और उसको इनिशियली सेट कर देते हैं हम किस पर, ज़ीरो पे। और यहाँ पे हम बता रहे हैं काउंटर लेस देन इक्वल टू 10। कमांड है कितनी बार चलना है। अब इस जुमले का मतलब है 10 बार तो चलना है, ये तो आप कह रही हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। जब तक चलना है जब तक के काउंटर की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। अब 10 होने में उसको कितना टाइम लग सकता है, 10 चक्कर भी लग सकते हैं, 5 चक्कर भी लग सकते हैं, 3 चक्कर भी लग सकते हैं, लेकिन इसको परफॉर्म उसने करते रहना है जब तक के काउंटर की वैल्यू कितनी नहीं हो जाती, 10 नहीं हो जाती। अब इस चीज़ को आगे चलते हैं, परफॉर्म किसको करना है, जो इसमें लिखा हुआ है। सही है, समझ में आ गई, समझ में आई बात। अब मुझे बताएं कि अगर ये एक फंक्शन है जो इसको रिपीट करेगा, कितनी बार करेगा, जब तक के वैल्यू काउंटर की 10 नहीं हो जाती, तो क्या आपको इस स्टेटमेंट में कोई ऐसी कमांड या कोई ऐसा मेथड नज़र आता है कि जिसमें काउंटर की वैल्यू 10 होने के चांसेस हैं। वेरी गुड मुर्ग, क्योंकि ऑलवेज काउंटर की वैल्यू 0 ही रहेगी और ये लूप चलता रहेगा। जब ये चलता रहेगा तो इस तरह के लूप को हम कहते हैं इन्फिनिट लूप। पानी की मोटर खोल दी, बटन ख़राब हो गया, अब जब तक लाइट आती रहेगी मोटर, और उसके नतीजे में पानी सक करती रहेगी, और नतीजतन टंकी फुल हो जाएगी, पानी बाहर भी आ सकता है। इस कंडीशन को हम कहेंगे मोटर चली गई है इन्फिनिटी कंडीशन के अंदर, लामहदूद हो गई है। अब भाई, अब इसको 10 बार चलाना है तो इसको कोई तरीका बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम में आएगा। हम ब्लॉक पे जाकर काउंटर वेरिएबल के आगे इंक्रीमेंट लगा देंगे। अब देखें, जैसे ही फंक्शन आएगा चेक करेगा, मुझे 10 तक, जब तक काउंटर की वैल्यू 10 नहीं हो जाती उतनी बार चलना है। पहली दफ़ा में अंदर आके इसको परफॉर्म करेगा,
फिर नीचे आएगा तो देखेगा काउंटर की वैल्यू में कितना इजाफा करना है, वन। फर्स्ट टाइम में काउंटर की वैल्यू वन हो जाएगी, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, जैसे ही टेन होगी तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर को यहां से छोड़ के बाहर आ जाएगा। सही है। अब अगर कुछ बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है मैंने, कोई उसमें झेल झमेला मैंने नहीं डाला। चलाते हैं प्रोग्राम को, देखें सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, काउंटर की स्पेलिंग गलत है। सही है, कितनी बार चला, 10 बार। ओके, काउंटर प्लस प्लस का इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने हटा दिया, अब कितनी बार चलेगा, मोटर चल चुकी है, बटन खराब हो चुका है, बटन कंट्रोलर है, इस लूप का कोई कंट्रोलर नहीं है, दब के रखेगा काम को ये, हलंदो रहंदो, रुकेगा ही नहीं, इस कदर चल जाएगा कंप्यूटर को हैंग कर देगा, बंद कर देगा। बात समझ में आई, इस कंडीशन में जब लूप को हम चलाते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं इन्फिनिट लूप, इन्फिनिट लामहदूद, पढ़े थे इन्फिनिट नंबर, जीरो से शुरू होंगे और चलते जाएंगे, ये हो गया इन्फिनिट। और आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम भी समझ में आ गया, क्या काम है इसका, ठीक है। अब ये 10 बार चलेगा, ठीक है। अच्छा, आप तो कह रहे 10 बार चलेगा, अगर मुझे 5 बार चलाना हो तो क्या करेंगे, दो चीजों में चेंज कर सकते हैं, एक इक्वल टू 5 कर देंगे, ये काउंटर की वैल्यू नहीं है, कंडीशन एक्सप्रेशन चेंज कर देंगे। दूसरा चेंज ये कर सकते हैं, इसको भले 10 रहने दें, यहां पर इंक्रीमेंट की स्पीड को बढ़ा दें। अब हर चक्कर में काउंटर की वैल्यू कितनी अपडेट होगी, तो लूप कितनी बार चलेगा, लूप तो बदल है कि जब तक काउंटर की वैल्यू 10 नहीं होगी चलता रहेगा, तो जब 5 बार चलेगा। माना हियर तुझे डेली एनएफटी में घड़ा डॉलर अचन पे, मिसाल के तौर पे $5 अचन था, तो $100 घड़े डी में पूरा थींदा, वी डी में। अब वी डॉलर डेली अचन थे कितने डी में पूरा थींदा, माणू माणू डीसी एग्जांपल डेणी पवंदी ना, वो समझ में इंदो ना, सही है ना। ही तुझो वॉलेट आ काउंटर आई एनएफटी वाला $5 मोकलन पे, तो $1.5 केतरे डी में केतरे चक्कर में बंडिन में थी वा, हल ये समझ में अचे भाई यार, सारी एग्जांपल एनएफटी ते आनंद मां, ठीक है समझ में आ गया लूप, चलो ठीक है।